उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, उसी तरह से सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर उतरकर अपने वोट बैंक को खंगाल रही हैं। लेकिन इस बार चुनाव से पहले रोचक बात एक यह निकल कर बाहर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में अपने पुराने जमीनी नेता के साथ साथ अन्य दूसरी पार्टियों को छोड़कर सपा में शामिल हुए नेता भी टिकट पाने की जुगत में लगे हैं। कुछ यही हाल है सीतापुर की सिधौली विधानसभा का, जहां बसपा से सपा में आए विधायक हरगोविंद भार्गव और पूर्व सपा विधायक मनीष रावत के बीच तय होना है। कट किसके पक्ष में जाएगा यह तो पार्टी हाईकमान ही तय करेगा, लेकिन जनता की राय और भीड़ की मानी जाए तो यह पूर्व विधायक मनीष रावत के पक्ष में जाती दिख रही है। जहाँ बसपा विधायक हरगोविंद भार्गव के सपा में शामिल होते ही थप्पड़ खांड से किरकिरी हो चुकी है, वहीं वीरांगना उधा देवी पासी के शहीद दिवस पर पूर्व विधायक मनीष रावत द्वारा साइकिल यात्रा में उमड़े जन सहवाल ने सभी को चौंका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24x7 लाइव। मोबाइल का कैमरा सीमित है, लेकिन मनीष रावत और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कारवा मेला मौके सड़कों पर आदरणीय मनीष रावत के नेतृत्व में हजारों हजार आदरणीय श्रीमती उर्मिला सरोज जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में आदरणीय मनीष रावत जी के नेतृत्व में हजारों हजार आप सब निवेदन है साथियों, समाजवादी पार्टी के कारवां